गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्टोग्राफ क्या है। तो पार्टोग्राफ क्या करते हैं इसमें हमें ये देखना है, ठीक है। मेनली क्या है पार्टोग्राफ, क्यों किया जाता है, जो इंट्रा पार्टम होता है, पीरियड में जो भी प्रॉब्लम हो रही है इंट्रापार्टम पीरियड में, वो हम इसके थ्रू देखते हैं, पार्टोग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो इंट्रापार्टम पीरियड प्रॉब्लम्स हम इससे देखते हैं, जैसे कि कोई भी डेंजर हुआ, या फिर कोई भी ट्रॉमा हो सकता है इस पीरियड में, ये इन सब को देखने के लिए हम क्या करते हैं पार्टोग्राफ का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पार्टोग्राफ क्या करता है, इसके अलावा ये क्या करता है, हेल्प करता है किस में, टू असेस प्रॉब्लम्स अर्लियर, मीन्स जल्दी से जल्दी हमें टाइम में प्रॉब्लम पता चले कि मदर को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से जल्दी पता करें तो हम मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हम पार्टोग्राफ का यूज़ करते हैं। फर्स्टली अब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या है कि पार्टोग्राफ क्या है, ये ग्राफिकल रिकॉर्ड है, ठीक है। ग्राफिकल रिकॉर्ड है किसका, ऑब्जर्वेशन का, जो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने जो भी देखा है नोटिस किया है इसलिए, ठीक है, नोटिस कर रहे हैं पेशेंट को, ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ अ वुमेन, ठीक है, जो भी वुमेन लेबर में है उसका जो भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम पार्टोग्राफ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है पार्ट वन, पार्टोग्राफ में पार्ट वन आता है। पार्ट वन में क्या आता है, पर्सन का नेम आता है, ग्रेविडा, नेक्स्ट पैरा, डेट, टाइम ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ रप्चर मेंबर, मीन्स ये सारी हेडिंग्स जो नेम है, ग्रेविटा है, पैरा है, डेट ऑफ एडमिशन है और टाइम ऑफ रप्चर, ये सारी हेडिंग पार्ट वन में इंक्लूड होती है, ठीक है। नेम में पेशेंट का नेम लिखते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल हो गया आशा, हो गया कोई फीमेल पेशेंट। ग्रेविटा का मतलब होता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ग्रेविटा का मतलब मदर कितने टाइम प्रेगनेंट हुई है। नेक्स्ट इसमें जैसे कि जी भरते हैं हम, अगर मदर पहले भी एक बार प्रेग्नेंट थी और अभी आई है फिर प्रेग्नेंट है तो जी टू हो जाता है, ठीक है। पैरा मींस इसको पी से डिनोट करते हैं, जैसे ग्रेविडा को जी से डिनोट करते हैं, पैरा को पी से डिनोट करते हैं। पैरा मतलब होता है डिलीवर्ड, मीन्स मदर ने कितने चाइल्ड डिलीवर कर लिए। अब सीधी सी बात है, अभी जब ग्रेविडा टू है मतलब दूसरी बार मदर प्रेग्नेंट है, तो पहले एक चाइल्ड डिलीवर कर चुकी है और दूसरी अभी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसके इसमें डेट ऑफ एडमिशन में जब पेशेंट आया है वो डेट डालना है और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का टाइम डालना है, किस टाइम मेम्ब्रेन रप्चर हुई है। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट टू, नेक्स्ट है पार्ट टू। पार्ट टू में क्या आता है, फीटल कंडीशन,
फीटल कंडीशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? FHS, ठीक है. नेक्स्ट लिक्वर, नेक्स्ट मोल्डिंग. ये तीन हेडिंग जो है ये पार्ट टू में इंक्लूड होंगी फीटल कंडीशन में. अब फीटल कंडीशन में ये तीनों हेडिंग है. FSH का मतलब होता है फीटल हार्ट साउंड, मतलब फीटल की हार्ट रेट कितनी है, जो कि नॉर्मल होती है 120 to 160 बीट पर मिनट. ओके, नेक्स्ट यह है लिक्वर. लिक्वर में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर हम लिक्वर की बात करते हैं तो लिक्वर में ये है कि अगर फ्लूइड क्लियर, जो लिक्वर से मतलब है यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड, अभी एमनियोटिक फ्लूइड अगर क्लियर है तो क्या करते हैं, सी आता है, मीकोनियम है. तो एम लगता है. मीकोनियम क्या है, जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है वो अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो गया है तो एम लिखते हैं. फ्लूइड क्लियर है, जो नॉर्मली इसका कलर लेस होता है, वाइटिश टाइप में ट्रांसपेरेंट वाइटिश टाइप का कलर होता है, तो हम सी लिखते हैं. ब्लड स्टेन्ड होता है, मीन्स ब्लड मिक्स है, देन हम क्या लिखेंगे, पी लिखिए. ओके, नेक्स्ट आता है मोल्डिंग. मोल्डिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ वूमेन. जब बेबी की डिलीवरी होनी है और बोन्स ऊपर चढ़ जाती हैं तब हम उसको मोल्डिंग बोलते हैं. मोल्डिंग अब हम कैसे इंडिकेट करते हैं वो हमें देखना, ठीक है. मोल्डिंग कैसे, अगर हम मोल्डिंग की बात कर रहे हैं तो मोल्डिंग इनमें फर्स्ट है सेपरेट बोन्स. मतलब नॉर्मली क्या होता है, हेड ऐसे होता है. अब जब हेड ऐसे है तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, ये नॉर्मली बोन होती है. अब दोनों बोन है, ये पैराइटल बोन है अलग अलग, तो ये क्या है, सेपरेट है अलग अलग. बट अगर ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, सेपरेट है, तो हम इसको ऐसे ओ से डिनोट करते हैं, ज़ीरो से, सॉरी, ठीक है. दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, बोन्स जस्ट टचिंग ईच अदर. मतलब इसमें ये है कि बोन्स क्या करेंगे, बस थोड़ा सा ये एक दूसरे को बिल्कुल टच करेंगे. इसमें क्या है, ये जैसे एक बोन है और ये बोन सेपरेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोन एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रही है, बोन और ये बोन टच कर रही है. थर्ड कंडीशन में क्या है, अगर टच कर रही है जस्ट, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से. इसको करेंगे ज़ीरो से, इसमें प्लस से. अगर ओवरलैपिंग है, जिसको हमने अभी बताया था ओवरलैपिंग होती है, जिसको मोल्डिंग बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ बोन है अगर, ठीक है. बट अगर हम उसे मीन्स फिंगर्स से प्रेशर दे रहे हैं और अलग कर सकते हैं और वो सही हो जाएगी, तो प्लस टू प्लस साइंस आते हैं, ठीक है. बट इसमें क्या है कि हाँ, हम प्रेशर करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगी,
बट फोर्थ कंडीशन क्या होता है जिसमें सीवियर ओवरलैपिंग होती है। सीवियर ओवरलैपिंग में क्या होता है कि प्रेशर से भी सही नहीं होंगी, तो इसे 3+ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट थर्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट में आता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर। थर्ड पार्ट में प्रोग्रेस ऑफ लेबर, इसमें क्या क्या आएगा? पहला सर्वाइकल, डायलिटेशन। ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन आएगा। नेक्स्ट आता है डिसेंट ऑफ हेड। नेक्स्ट आएगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद लास्ट आता है फीटल पोजीशन। अब हम अगर ग्राफ में सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करते हैं फर्स्ट। सर्वाइकल डायलेशन 0 से क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो होता है वो फुल डायलिटेशन होता है। ठीक है, वो हमें फिल करना होता है इन सेम स्केल। सॉरी, एल है ये, सेम स्केल शो डिसेंट। मीन्स सेम स्केल मतलब वहाँ पे जो पार्टोग्राफ होता है, पार्टोग्राफ में जहाँ पे सर्वाइकल डायलिटेशन भरते हैं, सेम वहीं पर ही क्या करते हैं हम, डिसेंट का भी भरते हैं। डिसेंट मेनली किस पे बेसिस होता है? स्टेशंस पे, जो पेल्विक स्टेशंस होते हैं उनके बेसिस पे हम भर पाते हैं डिसेंट। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल स्केल होता है जो ग्राफ होता है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केल में शो होता है आवर्स। मीन्स कुछ इस तरीके से ग्राफ बना होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्केल की मतलब आड़ी, यहाँ पे नीचे में आड़े में ऐसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आवर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, यहाँ आवर्स शो करते हैं। जो भी है, हर एक बॉक्स होता है, जो भी पार्टोग्राफ में एक बॉक्स होता है 30 मिनट्स को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट यह हुआ है जो क्रॉस यूज फॉर डायलिटेशन। जो डायलिटेशन है उसके साइंस के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का साइन यूज़ करते हैं। और जब भी हम डायलिटेशन भर रहे हैं या डिसेंट भर रहे हैं, फर्क इतना है 4 बॉक्सेस के बाद भरना है। जैसे कि एक और एक्सेस यहाँ से मार्क किया, 4 बॉक्स ख़त्म होने के बाद हम दूसरा मार्क सर्वाइकल डायलिटेशन का करेंगे। ठीक है, हमें डायलिटेशन आवर्स में भरना है। ओके, अब उसमें क्या होता है, जब भी हम लेबर प्रोग्रेस भर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए लेटेंट फेस क्या है। लेटेंट फेस क्या होता है? स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से लेकर ये कब तक होती है, अंटिल सर्वाइकल डायलिटेशन। जब तक फुल सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हो, अंटिल सर्वाइकल डायलिटेशन जब तक 3 सेंटीमीटर नहीं हो जाता, तब तक लेबर से स्टार्ट होने तक 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन तक लेटेंट फेस होता है। मींस इसका आवर क्या हो गया? 8 आवर्स।
और लेस, ओके। और जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, हमने डिसेंट की बात कर लिया, डिसेंट को ज़ीरो साइन से ऐसे ओ से प्लॉट करते हैं, एक्स सर्वाइकल डायलेटेशन जो हमेशा कभी भी है कि सॉरी जो डायलेटेशन होगा वो एक ऐसे इस तरह की लाइन में भरा जाता है डायलेटेशन। क्यों? क्योंकि क्या है, डायलेटेशन के जो ग्रेडिंग है जैसे 1, 2, 3 ऐसे साइड में ग्राफ में दिया होता है, ये नीचे से ऊपर को हो रही है, तो डायलेटेशन कम है, फिर 10 सेंटीमीटर वगैरह, तो ये एक कुछ तिरछी लाइन फॉर्म होता है। डिसेंट में हमेशा ऊपर से नीचे को, जैसे लास्ट स्टेशन 5 है, 5 से नीचे को लाइन आती है। सेम रूल फॉलो करेंगे कि 4 बॉक्सेस के बाद ही, जैसे यहाँ पे 4 से मार्क किया है आपने, 4 बॉक्सेस छोड़ना है, 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से ये नीचे आएगी, ठीक है। डिसेंट की लाइन हमेशा ऐसे में आएगी और सर्वाइकल डायलेशन की कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि क्या है, स्टेशन जो होते हैं जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग जो 5 स्टेशन होता है वहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और जितना 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 जब 0 आ जाएगा, मतलब 0 ग्रेडिंग जो ग्राफ में दिया हुआ है साइड में डिसेंट में, वो प्लस 5 स्टेशन को डिनोट करता है, प्लस 5 में बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो लाइन कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है ऊपर से नीचे आने में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन, ओके। कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, 20 सेकेंड से लेस हो रहे हैं ये पर 10 मिनट देखा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कितने हो रहे हैं, ठीक है। 20 सेकेंड से लेस है तो इसको डिनोट करेंगे डॉट्स के थ्रू, 20 सेकेंड से बिटवीन 40 सेकेंड है तो इसको डिनोट करेंगे कुछ ऐसे लाइन से, और ठीक है ओब्लिक लाइन से। नेक्स्ट होता है अगर 40 सेकेंड्स का है या ज़्यादा है, 40 सेकेंड और मोर, तो हम इसे शो करेंगे एक बॉक्स को पूरा ब्लैक करके, ओके, अच्छे से इसको कलरफुल कर लेंगे, डार्क कर लेंगे पूरा, ये ऐसे ब्लैक कर लेंगे मतलब पूरा, ठीक है। ये ऐसे डिनोट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन तक। तो मैंने ये वाले में आपको 3 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक बताया है, 4th पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।